पूछे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि जो स्टेज परफॉर्मर्स है, जो डांस करते हैं, परफॉर्म करते हैं, सिंगर्स है, म्यूजिशियंस है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. और एक एसोसिएशन मुझे लगता है फर्स्ट टाइम बना है, फर्स्ट टाइम. तो आई एम वेरी हैप्पी. और मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि स्टेज पे मैंने बहुत परफॉर्म किया, मेरे इतने सारे गाने जो थे. और अब तो डायरेक्टर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं परफॉर्म करूँगी, प्लीज़. एक्टर, वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर. तो शो विजन के बारे में सुनील जी और विष्णु जी आपको ज़्यादा बेटर बता देंगे कि आपको क्या पता. सर थोड़ा सा बताइए जी मैम जी के कोलेब्रेशन के बारे में और भी मैम से बोलिए. हमारा जो रिलेशन है वो तकरीबन मुझे लगता है 10 साल से ऊपर का है. हाँ, और इनकी जो मूवी थी हॉलीवुड मूवी माय माय बॉलीवुड बॉलीवुड ब्राइड. ब्राइड, उसमें मुझे मौका दिया था मैम ने, और बहुत अच्छा म्यूज़िक हुआ था उस फिल्म में. तो तभी भी इनके बाल ऐसे ही आज ओ थैंक यू. थे ना. तो बस हमने मैम को इनवाइट किया और आगे, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बड़ी बात है, बात बड़ी है. बात है हमारे लिए. शो विज़न स्टेज परफॉर्मर एसोसिएशन, एक्चुअली जो मंच के कलाकार हैं, स्टेज के जो कलाकार हैं, चाहे वो सिंगर हो, म्यूजिशियंस हो, डांसर हो, या वो मिमिक्री आर्टिस्ट हो, या वो कॉमेडियन हो, या रैम मॉडल्स हो, या मैजिशियन हो, जो भी मंच पे स्टेज पे जो परफॉर्म करते हैं उनकी अपनी एसोसिएशन है. उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कहीं भी शो करने जाते हैं, उनको कोई भी दिक्कत होती है, हम एसोसिएशन उनके साथ है. मैम ये प्लेटफॉर्म कितना ज़रूरी है स्पेशली नए एक्टर्स के लिए, जैसे मैंने पूछा नहीं आपको. नहीं सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि आधा टाइम तो पेमेंट कभी बिल्कुल सही काफ़ी बात. राइट. ऐसे डामाडोल होता है. अगर अभी एसोसिएशन है तो वो सारी इन चीज़ों का ख्याल रखेगा और डेफिनेटली सबको मेंबर्स बनना चाहिए. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो हमें भी प्रोटेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजर को भी प्रोटेक्ट करते हैं. ऐसा भी बहुत दफ़े होता है कि कुछ कुछ आर्टिस्ट शो का पेमेंट लेकर आते नहीं, तो उस टाइम वो ऑर्गेनाइजर को प्रोटेक्ट करने वाला, आई थिंक आप उन्हें भी करेंगे ना. मैम आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है, कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट अगर आप शेयर करना कोई चाहें. बचा ही नहीं मुझसे कौन पंगा लेगा. नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. एक होते होते बच गया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं अब तक मुझे. या तो सारे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स मिले या सारे डरे हुए मिले, तो दोनों में से एक कुछ था. राइट मैम. इसके अलावा आपकी मूवी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, थैंक ट्रेलर को 1 मिलियन के ऊपर हो गया वन आई गेस पॉइंट सेवन ट्रेलर. हुआ 1 घंटे पहले. तो मैम क्या कहना चाहेंगे, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले स्पेशली डायरेक्शन को लेके पूछना चाहूँगा. काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले इसलिए मैं थोड़ा सा शॉक में हूँ. मुझे लगा कि मुझे दुश्मन ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन काफ़ी दोस्त भी बन गए. आई एम हैप्पी दैट एवरीबडी हैज़ लाइक्ड इट. और ये जेनरिक है, कोई पंप किया हुआ नहीं, कोई हमने पैसे नहीं डाले, ये एक्चुअल व्यूज़ है जो आप हर मिनट पर देख सकते हो. तो इट्स रियलिटी और बहुत मेहनत की हमने. एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों का भी बहुत काफ़ी सपोर्ट रहा. इसके अलावा कुछ है अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप. अपकमिंग प्रोजेक्ट तो है, लेकिन मैं इन शो विजन और विष्णु जी और सुनील जी को बधाई देना चाहती हूँ और ऑल द बेस्ट कहना, अरुण जी को भी ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इन्होंने एक आगे स्टेप लिया एक ऐसे इसमें जहाँ पे कोई एसोसिएशन नहीं था. तो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड एंड आई विश देम ऑल द लक. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. एंड प्रोटेक्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा बताइए. ये बहुत अच्छी बात है. पहले मैं इनको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कि जो आर्टिस्टों को अच्छा प्लेटफॉर्म देते, ऑर्गेनाइज़र को भी हेल्प करते, दोनों के बीच में जो मीडिएटर बन के काम करते, बहुत अच्छा इन्होंने सोचा है आर्टिस्टों के बारे में, ऑर्गेनाइज़र के बारे में. तो मैं तहे दिल से इनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की है, और मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन करता हूँ. ऑल द बेस्ट फॉर शो विज़न. बहुत ही धमाकेदार जो है लॉन्च हो रहा है ये, थोड़ा सा बताइए सर कैसे कोलैबोरेशन होने वाला है इन फ्यूचर आपका. देखिए शो विज़न में जो जुड़े हैं मेरे मित्र संगीतकार विष्णु नारायण जी, जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और मेरी फिल्मों को काफ़ी म्यूज़िक दे चुके हैं. हम लोग वीनस में काफ़ी बड़े बड़े एल्बम्स हम लोगों ने किए, मैंने डायरेक्ट किए, उन्होंने म्यूज़िक दिया है. तो वो एक संगीत के मास्टर हैं और उनके साथ जो अरुण जी का एसोसिएट हुआ है, तो एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म स्टेप स्टेज परफॉर्मर्स के लिए. इस प्लेटफॉर्म का रास्ता सीधा बॉलीवुड से ही जुड़ता है और हम बॉलीवुड में ही कार्य कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म और हमारा प्लेटफॉर्म सब है तो एक ही इनडायरेक्टली. बॉलीवुड वाले भी स्टेज पर जाते हैं, स्टेज वाले मतलब एक दूसरे के वो है रेल की पटरी. तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ से जो भी टैलेंट प्रोवाइड करेंगे विष्णु जी और उनकी टीम, और मैं उनको अपने यहाँ सिंगिंग के लिए या परफॉर्म के लिए अगर मैं इस लायक कर सका तो 100% करूँगा. राइट सर. इसके अलावा आपकी फिल्म की जो है रिलीज डेट भी आ गई है, 18 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है. थोड़ा सा बताइए कि क्या कुछ होने वाला है फिल्म में, टाइम नहीं है.
देखिए 18 अक्टूबर को मेरी फिल्म आ रही है, टाइम नहीं है ऑल ओवर इंडिया फिल्म का, जैसे कि ट्रेलर बहुत पसंद किया जा रहा है और मुझे खुशी है कि एक पारिवारिक, एक साफ़ सुथरी, एक मैसेज कंटेंट बेस्ड फिल्म है, जो मैंने इससे पहले जो मेरी फिल्में आई हैं थोड़ा उससे मैं अलग हटने की, थोड़ा सेंसेबल होने की कोशिश कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर। और मुझे उम्मीद है इस फिल्म को सराहा जाएगा क्रिटिक्स द्वारा भी और आम लोगों के द्वारा भी, और दर्शक इसको पसंद करेंगे। इसमें रजनीश दुग्गल, कृष्णा अभिषेक, युविका चौधरी और राजपाल, बहुत अच्छे, शक्ति कपूर साहब, गोविंद नामदेव साहब, एक परफॉर्म बेस्ड एक अच्छी पारिवारिक फिल्म है। 18 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है और दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि लोग दिल से देखें इस फिल्म को, कोई परिवार की फिल्म है। थैंक यू सो मच। आज इनॉग्रेशन है, काफ़ी सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट को मौका देने वाली है शो विजन, तो क्या कहना चाहेंगे इस वेंचर के बारे में? जो देखिए, मैं कहूँगा विष्णु जी मेरे सबसे लाडले चहीते म्यूजिक डायरेक्टरों में से हैं। और आप ये कहेंगे कि एक संगीतकार दूसरे संगीतकार की तारीफ करता, तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि ये कल के हमारे भविष्य हैं। जिस तरीके से हम लोग लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी सबके सामने आए, दिलीप सेन, समीर सेन और आनंद मिलिंद, जतिन ललित, नदीम शरवण जी, वैसे ही आज ये हम लोगों के मतलब कल के सुपरस्टार हैं हमारे। और जो आज इन्होंने जो सबसे बड़ा काम यही किया कि जितने भी कलाकार लोग जो आज तक हम लोग नहीं कर पाए, कि जितने भी कलाकार हैं जो इनके ओरिजिनल राइट्स, मतलब जैसे स्टेज पर परफॉर्म करते हैं या गाना गाते हैं या गाना लिखते हैं या जो भी रिलेटेड हैं मतलब क्रिएटिव से, और उनको कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसको कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि हर बोलता है जाओ अपनी एसोसिएशन में बात करो। अब हर एक की अलग अलग एसोसिएशन है, मेरी पहली अपने आप में एक ऐसी एसोसिएशन है कि सारों को एक साथ अपने साथ ज्वाइंट करके सबकी परेशानियों को अपने ऊपर लेके एक आवाज़ में इन सारी जगहों पे ये आवाज़ फैलेगी। और इसमें मैं भी इनके साथ हूँ और विष्णु जी को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और ख़ास करके ये जितने मेरे प्यारे प्यारे चैनल वाले आए हैं भाई लोग, बस मैं इनसे यही कहूँगा कि आप लोग हमारी फिल्मों के तो गाने दिखाते ही हो, फिल्मों के बाकी चीज़ें भी आप इवेंट वगैरह भी दिखाते हो, मगर इस चीज़ों को भी ज़रा लाइमलाइट में लाइए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आप लोग भी आते हो, क्योंकि मीडिया भी जो है, मीडिया के साथ भी ये होता है, क्योंकि मीडिया को हर जगह जहाँ बड़े स्टार चले गए तो हर मीडिया वहाँ नहीं पहुँच सकता। हमारे पास से मतलब ये विष्णु जी ये करें कि आप पास आने के बाद में, इसमें इनके यहाँ आने के बाद आपको जब इसके मेंबर बन जाओगे तो आप लोगों को एक बेनिफिट ये होगा कि ये कार्ड लेके आप, मेंबरशिप कार्ड, आप कहीं भी जा सकते हैं, चाहे बड़े से बड़े, छोटे से छोटी जगह, और कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं एसोसिएशन एक्चुअली उन कलाकारों के लिए, मंच के कलाकारों के लिए जो मंच पे काम करते हैं, मंच पे परफॉर्म करते हैं, है ना, तो उनके एक्चुअली अधिकार, कई बार ऐसा होता है कि उनको बहुत ही कई चीज़ों का परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, तो हम उनका सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बात कि स्टेज पे जो समझो सिंगर है, एक सिंगर स्टेज पे गाता है, पूरी उम्र उसको ज़िंदगी गुजर जाती है लेकिन उसको कभी प्लेबैक में चांस नहीं मिलता है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे, बिकॉज हमने स्टूडियो भी अपना बनाया हुआ है, तो हम उन सिंगर्स को, उन परफॉर्मर्स को लाएंगे, हम उनको चांस देंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। अभी CD का ज़माना ख़त्म हो चुका है, टोटल डिजिटल इंडिया हो चुका है, तो हम डिजिटल मीडिया पे और हम उसको प्रमोट करेंगे लोगों को, उनको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म देंगे, वो हमारे पास करने की ताकत है। जी सर, इसके अलावा बहुत सारे रियलिटी शोज भी हैं जी, तो उससे कैसे अलग होगा शो विजन? जैसे कि रियलिटी शो है, रियलिटी शो में भी परफॉर्मर्स जो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी हमारी स्टेज परफॉर्मर एसोसिएशन बात करेगी, उनकी जो परफॉर्मेंस को अगर वहाँ कोई दिक्कत होती है तो उसके पीछे एसोसिएशन खड़ी है। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो करने का जो विष्णु जी ने सोचा है, यानी जैसे मैं हो गया और मेरे साथ काफ़ी बड़े बड़े स्टारों ने, हम लोग जब बॉम्बे तक तो ठीक है, जब हम बॉम्बे के बाहर जाते हैं तो जाते वक्त तो हम लोग दामाद की तरह होते हैं ऑर्गेनाइज़र के, बिल्कुल बहुत हमारी राख रखा हुआ होता है, मतलब जो चीज़ें हमको चाहिए वो बोलने से पहले आ जाती है। पर आफ्टर शो, जैसे ही शो ख़त्म हो जाता है तो फिर ऑर्गेनाइज़र कहाँ है, टिकटें कहाँ हैं, हमारे होटलों का पेमेंट कहाँ है, क्या गाड़ियाँ, कुछ नहीं पता चलता। तो अब मैं समझता हूँ कि शो विज़न क्या करेगा कि अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं, अगर आप लोगों ने शो विज़न को अगर पता दिया है कि सर हम फला फला शो करने जा रहे हैं, तो शो विज़न क्या करेगा कि पहले से उसकी इंक्वायरी करके रखेगा कि कैसे लोग हैं, क्या है, आपकी जितनी फैसिलिटी है या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो शो विज़न पहले क्लियर करके रख देगा कि सर ये इनकी पेमेंट है, ये इनका आना जाना है, ये यहाँ होटल है, ये सब कुछ है, तो कल को क्या है कि तकलीफ़ होगी नहीं। क्योंकि मेरे साथ तो कई बार ऐसे होता रहता है, मेरे साथ ही नहीं, हम लोग कई लोग ऐसे हैं बड़े बड़े कि जब हम लोग पटियाला या कहीं चले जाते हैं जी, तो नाम तो हम लोगों को लेके बड़ा बड़ा जब शो तक होता है, मगर एंड जरा बहुत बुरा होता है, तो काफ़ी वो जो अनुभव रहा है। तो विष्णु जी ने जो ये काम शुरू किया है तो मैं तहे दिल से इनको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मतलब मुबारकबाद देता हूँ, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये इसमें सक्सेस हो, और हमसे जो भी सहयोग होगा हम करेंगे, बाकी मीडिया है ही हमारे साथ। थैंक यू। सोच है, शुरुआत है शो विजन के नाम से, हमारे से अरुण जी हैं,
विष्णु जी हैं, इन लोगों ने ये जब हमें भाई बताया, मालूम पड़ा मुझे कि भाई हम सो विजन के नाम से एक अच्छे संस्था खोल रहे हैं जिसमें सिंगर्स हैं, एंकर हैं, डांसर हैं, म्यूजिशियन हैं, और आज जो इन्होंने ये संस्था बनाई और सोचा इस बारे में, ये जान के बहुत ही अच्छा लगा कि भाई आज हमें ऐसी भी सोच वाले लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने जो है सिंगर म्यूजिशियन एंकर के बारे में सोचा। नहीं तो आप भाई हर बंदा अपनी रॉयल्टी के बारे में सोचता है, अपने लिए सोचता है, पर इन्होंने दूसरों के लिए सोचा, अच्छे काम की शुरुआत दिया और बस ये सोविजन आगे बढ़े, हम इसके साथ में हैं और हम लोग अच्छे काम करें, अच्छे लोगों को लेके इस प्लेटफॉर्म पे जाएं, बस ये हमारी सोच है, बाकी देखते ही क्या अच्छा होता है। नए लोगों को कैसे हेल्प करेगा सोविजन जो छोटे शहरों से आते हैं यहाँ पर? नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला कि नए लोग जैसे कि यहाँ पे आते हैं इस महानगर में, वो बेचारे क्या कि यहाँ पे एक चकाचौंध में भड़क जाते हैं कि भाई बम्बे में कौन सहारा देगा, कौन काम देगा, क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, तो एटलीस्ट क्या है हम उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, उनको बुला के हम अच्छे सिंगर बनाएं, उनको लाइफ टाइम के लिए भी अच्छा गाएं, अच्छी रिकॉर्डिंग करें, अच्छे इवेंट पे परफॉर्मेंस करें, हम उनको भी चाहेंगे भी हमारे साथ जुड़ें और संस्था जुड़ें और हमको अच्छे अच्छे जो इवेंट और रिकॉर्डिंग फिल्मों में ब्रेक दें, काम दें।